स्टूडेंट्स, सो टुडेज रोज इज द कोर्स डिटेल. ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि मैम हम कैसे सीक्वेंस में जाए, क्या सीक्वेंस होती है, क्या पैटर्न होती है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे स्टार्टिंग से. 10th के बाद जब आपने डिसाइड कर लिया होता है आपको साइंस में जाना है और आपकी पढ़ाई जब शुरू हो जाती है 11th की, तब से आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना होता है. ओके, और ये बात बहुत कम लोग बताते हैं, मुझे भी किसी ने नहीं बताई थी और मैंने खुद ने एनालाइज करके ये प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था. मैंने 12th के बाद स्टार्ट किया था इसलिए मुझे काफ़ी साल लग गए प्रिपेयर करने में, बट ये पहले से करना था. तो 11th के बाद आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको 2 साल ऐसे ही मिल जाते हैं प्रिपरेशन के. नेक्स्ट स्टेप आता है 12th का बोर्ड. 12th का बोर्ड देने के बाद आपको 2 मंथ्स का गैप मिलता है बीच में एंट्रेंस को प्रिपेयर करने के लिए. यूजुअली मई के बीच में आपका एंट्रेंस होता है. अब क्वेश्चन ये आता है मैम एंट्रेंस कौन सा देना है, तो एंट्रेंस आपको 3 देने होते हैं, नीट, एम्स और जिपमर. ये 3 एंट्रेंस देने के बाद अब काफी क्वेश्चन ये भी आता है MHT CET जो है वो मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रेफरेबल है या नहीं. नहीं, MHT CET जो इंजीनियरिंग, फार्मेसी और ये सारे बाकी छोटे कोर्सेज के लिए आपको इजी पड़ेगा, बट इजी भी पड़ेगा और ये सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन देते हैं. बट अगर आपको मेडिकल स्टडी करनी है तो ये आपको नहीं प्रोवाइड करता कोई भी मेडिकल कोर्स के लिए. सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हमने एंट्रेंस भी दे दिया मैम, अब क्या करें. एंट्रेंस के 2 दिन बाद आपकी आंसर की आ जाती है, तो आप रिजल्ट तक का वेट ना करते हुए आंसर की से अपना पेपर टैली करके उससे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि आपको मार्क्स कौन से लिस्ट में, कौन सी कैटेगरी में या कौन से रेंज के बीच में आने वाले हैं. उसके बाद आप ये डिसाइड करिए, आपको ब्राउजर भी दिया जाता है MUHS की तरफ से, नीट की तरफ से, तो आप उसको टैली करते हुए सारे कॉलेजेस के देख लीजिए और आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कोर्स कौन सा करना है. कोर्स काफ़ी होते हैं, MBBS अगर आपको नहीं मिल रहा है तो होम्योपैथी नहीं मिल रहा है तो आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट और BSLP ऑडियोलॉजिस्ट नेक्स्ट होते हैं और भी छोटे 2-3 कोर्सेज होते हैं जिसके मैं लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. तो ये सारे कोर्सेज होते हैं. अब आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि समझ लीजिए आपने फिजियोथेरेपी सेलेक्ट कर लिया, तो फिजियोथेरेपी में उस रेंज के मार्क्स का कट ऑफ आपको लास्ट ईयर के सारे कॉलेजेस के देखने हैं, जो आपके नियर बाय में आपकी चॉइस के कॉलेजेस हैं उनको पहले आप देख लीजिए और फिर अपनी एक लिस्ट तैयार करिए. ठीक है, आप टॉप 10 में वो कॉलेजेस रखिए जो आपके घर के नियर बाय में है, या अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हो तो उस एरिया के जो नियर बाय में कॉलेजेस है आप उसकी कट ऑफ चेक कर लीजिए. और सपोज कि उस कट ऑफ में आपकी रेंज आ रही है तो उसको सबसे फर्स्ट लिखना है. ठीक है, आपकी डायरी में लिख लीजिए, फिर सेकंड में उससे थोड़े कम, थर्ड में उससे थोड़े कम, ऐसे ऐसे आपको अरेंज करना है. नेक्स्ट इज, अब आप प्रेफरेंस लिस्ट को अरेंज कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको उस कॉलेज का कोड लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर लिखनी है और लास्ट में कॉलेज का कट ऑफ लिखना है. इसके बाद का काम क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं. अगर ज़्यादा आते हैं आपकी कैलकुलेशन से तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम आते हैं तो आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे ही करना बाकी रहेगा. रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद आपको प्रेफरेंस के लिए दिया जाएगा. पहले सबसे पहले प्रेफरेंस से पहले आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है. इस बीच में मैं आपको ये वार्निंग देना चाहती हूँ कि आप हमेशा वेबसाइट चेक करते रहिए. इतने बच्चों के साथ ये होता है कि एडमिशन फॉर्म चला जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उनको पता ही नहीं होता. तो आप ये ध्यान रखिए कि कब एडमिशन फॉर्म आ रहा है, कब प्रेफरेंस आ रहा है, सबके डिटेल्स आपको पता हो. अब प्रेफरेंस फॉर्म जब रिलीज हो जाता है तो आपको वही कॉलेजेस जो आपने सीक्वेंस में लिखी थी तो वो आपको अकॉर्डिंगली भरनी है. आपको 100 to 300 के बीच में आपको कॉलेजेस के ऑप्शंस दिए जाते हैं. तो आपने अभी आपने जो कॉलेज के नाम वहाँ पे लिखे थे वो सिर्फ आपको मेंशन करने हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगर हमने फिजियोथेरेपी सेलेक्ट किया तो हम बाकी कॉलेजेस के नहीं डाल सकते क्या. डाल सकते हैं. आपने सबसे पहले सोचा था कि फिजियोथेरेपी का, आप फिजियोथेरेपी की लिस्ट बना दी, बट फिर आपने सोचा अगर मुझे फिजियोथेरेपी नहीं मिलती है तो मैं होम्योपैथी में जाना चाहता हूँ, तो नीचे होम्योपैथी लिख लीजिए, आयुर्वेदिक लिख लीजिए और सबसे लास्ट आपको लगता है कि मुझे MBBS मिलने के चांसेस नहीं है तो आप सबसे लास्ट में रख सकते हैं. हालांकि कोई चांस नहीं होगा बट लिखने में क्या चलता है, दिल को खुशी मिलती है. तो ऐसे आप लिस्ट बना सकते हैं. आपके पहले आपको कोर्स की चॉइसेस बनानी, सबसे पहले आपके प्रेफरेंस लिस्ट में कौन सा कोर्स चॉइस वाला होगा. ठीक है, कोर्स के बाद उस कोर्स के कौन से टॉप कॉलेजेस आपको चाहिए. जैसे कि अगर महाराष्ट्र स्टेट में देखा जाए तो मैं मुंबई से हूँ तो मैंने मुंबई के सबसे पहले कॉलेजेस लिखी थी. फिर अगर मुंबई मुझे नहीं मिलता तो मुझे पुणे चलता तो मैंने पुणे लिखा, फिर मैंने नासिक लिखा, फिर मैंने नागपुर लिखा, औरंगाबाद लिखा. अब रहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट जैसे सातारा, जलगांव, सांगली, मुझे वहाँ नहीं जाना तो मैंने उनके कॉलेजेस के नाम मेंशन ही नहीं किया, मैं डायरेक्ट होम्योपैथी के कॉलेजेस पे आ गया. तो फिर मैंने होम्योपैथी के कॉलेजेस में फिर से मुंबई, नागपुर, नासिक ऐसे स्टार्ट किए. तो आपको वैसे सीक्वेंस में लिस्ट बनानी है. ओके, इसके बाद से अगर आपने रैंडम कोई भी कॉलेजेस डाल दी तो आपको रैंडम कॉलेजेस ही मिलेंगे. तो अगर आपको अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में जाना है, स्पेशली लड़कियों के लिए क्योंकि पेरेंट्स दूर नहीं भेजते, तो आपको ये लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी होती है. और ये गाइडेंस भी मुझे मिले सीनियर किसी फ्रेंड ने दी थी. नेक्स्ट इसके बाद ये आता है, जैसे ही प्रेफरेंस आपका सबमिट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद आपको अलॉटमेंट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे. अब अलॉटमेंट टुकड़ों में होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. अब राउंड 1 में आपको सपोज कोई भी कॉलेज अलॉट हो चुकी है बट आपको वो कॉलेज नहीं लेनी है या आपको कॉलेज को लेनी है, ये 2 कंडीशन हो गई. अब सबसे पहली बात, आपको अगर वो कॉलेज लेनी है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके
आपको वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा और आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जहाँ पे आपको साइन करवाएंगे कि हम 4 साल तक या जितने साल तक कोर्स चलेगा हम बीच में कॉलेज नहीं छोड़ेंगे। अगर हम कॉलेज छोड़ते हैं तो हमें 4 साल की या 5 साल की जितने भी साल का कोर्स है हमें वो फीस पूरी भर हम पूरे भर के फिर छोड़ेंगे। तो ये एक फॉर्म पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपना एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस। अगर आपने वो कॉलेज में एडमिशन ले गया है तो आप वो जो राउंड की लिस्ट में से आपका नाम कट जाएगा, आप एडमिटेड हो तो आप वो नीट के प्रोसीजर से निकल चुके हो और आप एक मेडिकल स्टूडेंट बनने का फर्स्ट स्टेप ले चुके हो। अगर आपने राउंड वन में एडमिशन नहीं लिया तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपको एक दूसरा फॉर्म भरना होता है जिसमें आप ये मेंशन करते हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं लेनी है और मैं अपने आप को राउंड टू के लिए तैयार कर रहा हूँ या मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना चाहता हूँ। तो वो कॉलेज से आपका नाम कट हो जाता है और नीट वाले जो है आपको राउंड टू के लिए भेज देते हैं। अब समझिए राउंड टू में आपको दूसरे कॉलेज मिल गए, जो कि जैसे कि अगर फर्स्ट लिस्ट में आपको मुंबई की कॉलेज मिली थी बट आपको मुंबई नहीं लेना था और सेकंड लिस्ट में आपको पुणे की मिली है बट आपको ये कॉलेज अभी भी नहीं लेनी है, तो फिर भी आपको ऑप्शन होता है आप कॉलेज में जाएंगे, आपको वही कॉलेज से आपको वही सेम फॉर्म जो होता है राउंड थ्री के लिए जाने के लिए आपको वो फिर से भरना होता है, फिर आपका राउंड टू से नाम कैंसिल होते होते ऐसे चलते रहते हैं प्रोसेस। फिर राउंड थ्री होने के बाद आपको 2 मॉपअप राउंड भी मिलते हैं। ये स्पेशल राउंड होते हैं जिसमें कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसी होती है जो स्पेशल सीट्स रखते हैं, सारी सीटें नहीं भरते या कुछ बच्चे उनको नहीं मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं उनको ऐसे लगते कि हमारे लायक होंगे तो वो नहीं लेते हैं। तो 2 राउंड जो है मॉपअप राउंड वो बच जाते हैं जो फिल्टर होकर आते हैं। जो जैसे कि अगर MBBS के किसी स्टूडेंट ने सीट छोड़ के फिजियोथेरेपी के किसी स्टूडेंट ने सीट छोड़ के MBBS में एडमिशन ले लिया तो वो सीट खाली हो गई तो वो आती है मॉपअप राउंड में। तो आप उस राउंड में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं तो आप वहाँ तक भी रह सकते हैं या राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने मॉपअप राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपने एडमिशन ले लिया, तो एडमिशन के दौरान आपको लिस्ट दी जाएगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप उस कॉलेज से कॉन्टैक्ट करिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स बताइए, आपको डॉक्यूमेंट्स सारे मिल जाएंगे। तो वो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस जेरोक्स के 2 सेट्स आपको लेके जाना है। तो मतलब कुल मिला के आपको 3 फाइल लेके जानी है। तो जो एक फाइल होगी ओरिजिनल में से आपके 10th 12th डोमिसाइल, आपका लिविंग सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे उनके पास कलेक्टेड रहेगा जब तक आप स्टडी करते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करके सबमिट कर दिए जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपकी फीस जो होगी वो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी, जैसे फीस स्ट्रक्चर होता है वैसे। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अभी मेडिकल स्टूडेंट बन चुके हो, आपको अगर आप लोकलाइट हो तो आप अपने घर से कॉलेज कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आप लोकलाइट नहीं हो तो कोई भी आप हॉस्टल या कोई भी PG या कोई फ्लैट गर्ल्स के साथ में बैचलर रह सकते हो। तो ऐसे ये सारी कैटेगरीज हो गई है, सारा सीक्वेंस एडमिशन प्रोसेस का मेडिकल का। इसके बावजूद आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना लूँ। और बाकी सारे फिजियोथेरेपी कोर्स के रिलेटेड डिटेल्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट।